कामाक्षी सेलिब्रेशन में रेशम घाटी तेली समाज वधू वर परिचय सम्मेलन उत्साह से संपन्न हुआ। एडवोकेट मनोहर घाटोड़े पंकज घाटोड़े के प्रयासों से शहर में भव्य वधू वर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में युवा समाज सेवी तथा व्यवसायी रमेश खटे, समाज सेविका रत्नमाला पिसे, प्राध्यापक विठल कोल्ले, राम भाऊ घाटोड़े उपस्थित थे। कामाक्षी सेलिब्रेशन हॉल में 2 मार्च 2024 कामाक्षी सेलिब्रेशन रेशम घाटी 2 का आयोजन किया गया, जहां तेली समाज के विवाह इच्छुक सर्व सामान्य युवक युवतियां तथा 23 मार्च 2024 को समाज के ही इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर, शिक्षक, उच्च शिक्षित तथा व्यवसायी युवक युवतियों को वधू वर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमे करीब 120 विवाह इच्छुक युवक युवतियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कामाक्षी सेलिब्रेशन तथा घाटोड़े परिवार के प्रयासों को सफल बनाया। इस भव्य तेली समाज वधू वर परिचय सम्मेलन के आयोजक पंकज घाटोड़े ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशिक्षित युवा होने से हमारा समाज के प्रति दायित्व बढ़ जाता है। उसी से प्रेरणा पाकर कामाक्षी सेलिब्रेशन के द्वारा समाज के उत्थान तथा तेजी से बदलते हुए इस समय में समाज बांधों के लिए यह वधू वर परिचय सम्मेलन शुरू किया है, जिसका लाभ बड़े प्रमाण में समाज को होकर एक ही छत के नीचे इतने सारे वधू तथा वर एक साथ देखने तथा समझने मिल जाते हैं, जिसमें उनके समय की बचत होकर योग्य वर वधू चुनने में आसानी हो जाती है। इस आयोजन में नागपुर, उमरेड, मौदा, कलमेश्वर, सावनेर, काटोल आदि तहसीलों के साथ ही मध्य प्रदेश के पांडुना, छिंदवाड़ा आदि जिलों से समाज के युवक युवतियों ने अपने परिजनों के साथ उपस्थित रहकर इसे सफल बनाने में सहयोग दिया। आयोजन का संचालन सौ अश्विनी घाटोड़े ने तो प्रास्ताविक पंकज घाटोड़े तथा आभार डॉक्टर पराग घाटोड़े ने माना। वहीं हर वधूवर ने मंच पर पहुंचकर अपना परिचय दिया। इस भव्य आयोजन के सफलता तक रत्नमाला घाटोड़े, डॉक्टर सुजाता घाटोड़े, योगेश लोकरी आदि ने परिश्रम दिए। एक्चुअली हम सब अभी डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे, तो ऐसे टाइम में टाइम का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत है। तो देखा जाए तो लड़की को लड़का ढूंढने के लिए और लड़के को लड़की ढूंढने के लिए ये जो प्रोसीजर होती है शादी के लिए, ये बहुत टाइम लेती है। इसमें बहुत सा टाइम जाता है, फिर इंक्वायरीज करना वगैरह वगैरह, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे कामाक्षी सेलिब्रेशन में हमने सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया है जहाँ पे एक ही छत के नीचे हर फैकल्टी के, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी और प्रोफेशन के हो, सभी लोग आपको यहीं पे मिलेंगे, जिससे कि आप सबका टाइम बच सकता है और जो कुछ भी प्रोसीजर्स हैं वो यहीं पे कामाक्षी सेलिब्रेशन में एक ही छत के नीचे हो सकती है। और ऐसा ही प्लेटफॉर्म हर साल आप सबके लिए अवेलेबल ज़रूर करते रहेंगे। मुझे तो लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हमने जो दिया है, ये जो अपकमिंग ब्राइड एंड ग्रूम है उनके लिए, सो ये अपॉर्चुनिटी जो हमने कामाक्षी सेलिब्रेशन ने दी है, सो हम होप करते हैं कि ये उनके लिए यूज़फुल हो और वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें। क्योंकि आजकल क्या है कि इतने जल्दी, मीन्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, शादी करना इतना इजी नहीं रहा है, अपना डिज़ायर्ड पार्टनर मिलना भी इतना इजी नहीं है अभी, बिकॉज़ एवरीवन इज़ बिज़ी इन दिस इरा। सो ये प्लेटफॉर्म इज़ फॉर देम कि मीन्स इजीली वो अपना ड्रीम पार्टनर ढूंढ सके, बिकॉज़ इसके पीछे हमारा ये इनिशिएटिव है कि फेस टू फेस यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स एक दूसरे से मिल सकते हैं और वो उनके विचार सर में जान सकते हैं, विद देयर पेरेंट्स आल्सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस फॉर दिस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा, यानी बहुत सारी रेशम घाटी, बहुत सारे रेशम नाते जुड़ जाए हमारी तरफ से, ये हमारा विश है। और अभी तो अच्छा रिस्पांस रहा है, होप कि ये अच्छा रिस्पांस हो, ये एफर्ट्स दोनों तरफ से चाहिए है, हमने हमारी तरफ से तो पूरा एफर्ट्स कर लिया है, लेकिन ये एफर्ट्स आपकी तरफ से भी चाहिए है जो भावी अपकमिंग ग्रूम एंड ब्राइड है। ये जो आयोजन किया गया है, ये हमें ऐसे लगा कि वधू और वर जो रहते हैं हमारे समाज के, उनमें उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि जहाँ पे ग्रामीण लेवल पे ऐसा कार्यक्रम बहुत पहले हुआ करता था, जो कि अभी हो नहीं रहा था। तो एक हमारा ऐसा इनिशिएटिव, हमने एक सोचा था कि समाज के प्रति हमने कुछ तो भी करना चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल करा के देना था। तो एज अ कामाक्षी सेलिब्रेशन व्यवस्थापक, मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे वो खुद आके अपना इंट्रोडक्शन दे सके,
और बता सके कि वो अब एलिजिबल कैंडिडेट्स है अपने आने वाले जीवन के नए सफ़र के लिए। और ग्रामीण लेवल में ये सब चीज़ें हो नहीं रही थी, तो उसको एक तरह से अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक इनिशिएटिव अपने तरफ से चालू करना चाहिए, तो इसलिए कामाक्षी सेलिब्रेशन में हमने इस बार ये चालू करा है। ये हमारा सेकंड ईयर है, पहले ईयर में अच्छा रिस्पांस था, सेकंड ईयर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। 2 तारीख को एक कार्यक्रम किया, 2 मार्च, अभी ये 23 मार्च, टोटल हमारे पास अराउंड 120+ प्रोफाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए, और आशा करते हैं कि इसमें से कुछ प्रोफाइल्स 10-12 प्रोफाइल्स पॉजिटिव नोट पे क्लोज। NBC न्यूज़ के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।